प्रिंट मीडिया के हमारे साथीगण, आज राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन की एक बड़ी जीत हुई है। आज आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद जो संविधान का अनुच्छेद 10 और धारा 4 में विलय की प्रक्रिया को बताता है, उसको जांच करते हुए सभी जो पूर्व में AIM के 5 में से जो 4 सदस्य थे उनको पारी पारी से बुला करके उन्होंने बात भी की और पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के उन्होंने आज बिहार विधानसभा के समापन भाषण के में ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि चारों विधायकों को राष्ट्रीय विधायक दल में सम्मिलित किया जाता है। इसका ये मायने है कि राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो एक बड़ी बात है, कभी भी देश में कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है आजकल या पूर्व में भी, जहां कोई एक विपक्षी दल में लोग दूसरे दल के विधायक विलय कर रहे हो। तो ये विलय जो है, सभी विलयों से अलग है। हमेशा देखा जाता रहा है कि जहां सत्ताधारी दल है वहीं ज्यादातर लोग जो है विलय कर। तो ये अद्भुत है और ये साफ बताता है कि जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का जो नेतृत्व है और जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, सम्मान मिले, अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, जो शोषित वंचित है उसको मान सम्मान मिले, अधिकार मिले, ये सोच और विचारधारा राष्ट्राध्यक्ष जी का बताता है कितना मजबूत है कि हर कोई से प्रभावित रहता है। वरना इतने साल से विपक्ष में रहने के बावजूद भी 17 साल से आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तो महत्वपूर्ण बात था ही, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज अगर आकलन किया जाए कि महागठबंधन को ज्यादा वोट है या NDA को ज्यादा वोट है, क्योंकि 2020 में अंतर केवल 12,000 वोटों का था, 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला तो 1,56,12,000 NDA को वोट मिला। तो 4 और विधायक जुड़ने के बाद और बौचाहा चुनाव उपचुनाव जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि 15,000 से आगे तो हम लोग होंगे ही होंगे मिनिमम। यानी वोटों को अगर प्रतिशत में बांटा जाए NDA और महागठबंधन का, तो वोट में भी हम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।